सुबह से ही अचानक से छापेमारी का दौर शुरू हो गया और राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु, केरल समेत 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। दावा किया जा रहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेडिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। वहीं इस पूरे मामले पर अब पीएफआई कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया और सरकार उनके निशाने पर आ गई है। छापेमारी की खबर मिलते ही पीएफआई कार्यकर्ताओं ने केरल के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी की और लगभग सभी जिलों में विरोध मार्च निकाले गए। और अब अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए पीएफआई ने ऐलान किया कि वो जुमे पर यानी शुक्रवार को केरल में सुबह से शाम तक हड़ताल करेंगे। पीएफआई ने बयान जारी करते हुए कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके ये सरकार उनके खिलाफ असहमति दर्ज करने वालों पर कर रही है। उनकी इस कोशिश के खिलाफ 23 सितंबर को राज्य में हड़ताल की जाएगी। ये हड़ताल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी। इसके साथ ही पीएफआई ने सरकार को घेरते हुए आगे कहा था कि ऐसे कामों के जरिए केंद्र वास्तव में संविधान विरोधी कार्य कर रही है। आम लोगों को देश की रक्षा के लिए ऐसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसियां लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे संगठनों के खिलाफ दमनकारी नीति अपना रही हैं। नेता ने यह भी दावा किया था कि छापेमारी के दौरान कथित तौर पर जब्त किए गए दस्तावेज केवल जनसंपर्क के सामान थे जिनका इस्तेमाल संगठनों ने अपने अभियान के लिए किया था। यानी इस छापेमारी के बाद सरकार के खिलाफ पीएफआई का गुस्सा फूट पड़ा है, जो आज उनके हड़ताल में देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार पीएफआई की सुबह से चल रही इस हड़ताल को रोकने के लिए क्या तरीका अपना है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।